number 2 first floor ke deewar ka part 2 seekhenge okay bachcho part 1 ke andar hum dekhenge ki jo writer hai usne apne bachpan mein apne gaon ke andar jo school ke andar khichdi banayi jati thi deewaron ke avsar par khaas taur par makar sankranti okay us waqt jo khichdi banate the unke bare mein लोग नए धान को कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी
ini. Oke. Okay? Li zumana isi sabun di mekimu ke jarak permati maka jo hai ke jarak li aur usse jo ke sabun se fit banne ye maka li ne sare 10 12 baje tak dhoop mein rakha jata hai sara 12 baje tak ke 12:30 10 baje se lekar 12:30 और गाते हैं तो ये इसलिए बनाया जाता है कि जो ठंड
उमड़ पड़ता है कई कई जगह पर नदी में नहाने के लिए, लोग मकर संक्रांति के लिए वहां पे जाते हैं नदी के किनारे, लोग ठंड से भी लौटे रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम तीन रुक की तो जरूर लगेंगे। ठीक है, बर्फीला पानी बहुत ठंडा पानी होता है, फिर भी वो उसके अंदर उस तीन रुक की जरूर लगा। आगे होता है इन जगहों पर तीन रखने की भी जगह नहीं होती, राइटर कह रही है यहाँ पे इतनी सारी भीड़ होती है कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती। तीन दान करना, आग में तेल डालना, तीन का दान करना, लोगों को बढ़ना, आग में तेल डालना, सिद्धियों याद में तेल को डालना, तेल के पकवान बनाना, तेल जो है उसके पकवान बनाना, ठीक है, विशेष महत्व रखता है, उसके लिए लोग इस प्रकार के काम करते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? तुम्हारे घर आस पास कैसे मनाया जाता है अगर पूछते हैं, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? अगर तुम फसलों से जुड़े कोई त्यौहार मनाते हो उसके बारे में, यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार कई इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो यहाँ पे राइटर जो है वो कह रही है कि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग इलाकों में जो रहने वाले हैं वो अलग अलग तरीके से भी इस त्योहार को मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से पूरे हमारे भारत देश फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है, खासतौर पर मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई जगह पर उसे पोंगल कहा जाता है, ठीक है, कोई जगह पर उसे दुतिया कहा जाता है, ठीक है, तो कोई जगह पर उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो त्यौहार है अलग अलग दृष्टि से फसलों से जुड़े हुए जो त्यौहार है उसके बारे में हमने बताया। प्यारे बच्चों, इसमें से इस टॉपिक में से कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको लिखना है तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्यौहार होकर मनाया जाता है, गुजरात में फसलों से जुड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है, तो गुजरात में मकर संक्रांति उत्तरायण काइट फेस्टिवल, ठीक है, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो है ये टॉपिक आपका खत्म हो रहा है, जो इसे दोबारा करने का, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।